गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 यूजिंग द माउस। माउस मतलब क्या होता है वैसे? चूहा। ठीक है, हमें पता है माउस क्या है, एक इनपुट डिवाइस है कंप्यूटर का। ठीक है, देखो माउस का कंप्यूटर के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये किस काम आता है कि जो कंप्यूटर जो मॉनिटर के अंदर जो मॉनिटर की जो स्क्रीन होती है उसके अंदर जो कर्सर होता है ऐसे टाइप का एरो की तरह एक कर्सर होता है, उस कर्सर को कौन चलाता है? माउस। ठीक है, जैसे ही हम माउस को घुमाएंगे वो कर्सर भी ऑटोमेटिक घूमेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखते हैं, देखो ये है माउस, इसको हम माउस कहते क्यों? क्योंकि इसकी जो शेप है वो किसकी तरह है? सही में ही माउस की तरह है, इसलिए इसको माउस बोलते हैं। ये क्या है? एक इनपुट डिवाइस होता है, एक लॉन्ग टेल। मतलब क्या होता है? पूंछ। इसके क्या होती है? एक लंबी पूंछ होती है जो किससे कनेक्ट होती है? सीपीयू से। ठीक है, जिससे क्या होता है? माउस काम करता है। द मेन पार्ट ऑफ पे माउस आर, सबसे पहले देखो ये जो ऊपर का इसका कवर होता है वो क्या होता है? प्लास्टिक कैसिंग बोलते हैं इसको। जो ऊपर का ये कवर होता है ये प्लास्टिक को, इसको क्या बोलते हैं? प्लास्टिक कैसिंग। उसके बाद इसमें सबसे पहले राइट बटन होता है इधर, एक लेफ्ट बटन। उसके बाद ये बीच में जो ये सर्कल सा होता है इसको बोलते हैं स्क्रॉल व्हील। क्या बोलते हैं? स्क्रॉल व्हील। व्हील मतलब क्या होता है? पहिया। तो ये पहिए की तरह ही होता है जो गोल गोल चक्कर की तरह घूमता रहता है। माउस जो होता है वो किस काम आता है? अपनी अगर मॉनिटर जो टीवी की स्क्रीन की तरह जो मॉनिटर होता है उसमें अगर हमें कोई भी सिस्टम ओपन करना है, जैसे सपोज हमें स्टार्ट ओपन करना है, तो हम स्टार्ट को किससे ओपन करेंगे? माउस से। माउस की हेल्प से हम कर्सर को इसके पास लेके जाएंगे और उसके बाद क्लिक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जो हम पावर पॉइंट में जाके जो डायग्राम बना सकते हैं, जो पिक्चर ड्रॉ करते हैं, वो भी हम माउस की हेल्प से कर सकते हैं। गेम भी हम खेल सकते हैं माउस की हेल्प से। माउस क्या होता है कि माउस को एक जो सरफेस एरिया होते हैं एकदम प्लेन, जो प्लेन बोलते हैं जिसको, उसके ऊपर मैट जिसको बोलते हैं, मैट मतलब क्या होती है? चटाई। उसकी तरह एक सरफेस एरिया एकदम प्लेन सरफेस पे ही ये चलता है जिसको क्या बोलते हैं? माउस पैड। क्या बोलते हैं? माउस पैड, जिसपे माउस चलता है। ठीक है, माउस को चलाने के लिए माउस पैड का, जो माउस पैड उसके नीचे रखा जाता है, फिर माउस को माउस के माउस पैड के ऊपर रखा जाता है जो बहुत ही पतला सा होता है सरफेस एरिया की तरह, तो उसपे माउस चलता है। इसके बाद टाइप ऑफ माउस, माउस कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का। सबसे पहले स्क्रॉल माउस, ऑप्टिकल माउस और वायरलेस माउस। वायरलेस माउस क्या होता है? वो ऐसा माउस होता है जिसके अंदर में जो जिसको आप पे बोल रहे हो वो नहीं होती है, उसको क्या बोलते हैं? वायरलेस माउस। जो डायरेक्ट बस एक बार सीपीयू से कनेक्ट हो जाती है, उसके बाद उसको हम कहीं भी जितनी भी दूरी उसमें होती है उतना दूर बैठ के हम माउस को चला सकते हैं। ठीक है, ऑप्टिकल माउस क्या होता है कि उसमें एक LED लाइट होती है, LED लाइट। ठीक है, ऑप्टिकल माउस में क्या होती है? बैक जो पीछे की तरफ एक LED लाइट होती है जो कलरफुल होती है, जैसे कि रेड भी हो सकती है और ब्लू भी हो सकती है। ठीक है, एक होती है स्क्रोल माउस क्या होता है कि जो माउस होता है उसके पीछे एक स्क्रोल बोल की तरह माउस के पीछे एक बोल होती है। ठीक है, उसको कहते हैं स्क्रोल माउस। तो माउस कितने प्रकार के होते हैं? फर्स्ट स्क्रोल माउस, सेकेंड ऑप्टिकल माउस, थर्ड वायरलेस माउस। ठीक है, तीन प्रकार के माउस होते हैं। स्क्रॉल माउस जिसके पीछे क्या होता है, जो माउस का जो पिछला हिस्सा होता है उसमें एक स्क्रॉल बोल की तरह होता है। ऑप्टिकल माउस क्या होता है, जिसमें जो माउस का जो पीछे वाला हिस्सा होता है ऐसे जब उसको उल्टा करके देखेंगे तो एक लाइट जो LED लाइट होती है वो मिलेगी आपको। वायरलेस माउस में जो ये वायर कनेक्ट करते हैं हम CPU से, ये नहीं करना पड़ता, वो वायरलेस होता है। ठीक है, अब देखो होल्डिंग माउस को कैसे पकड़ के काम करना चाहिए। तो सबसे पहले जो अपनी ये वाली फिंगर होती है अंगूठे के साइड वाली, ये हमें क्या करना है?
सारे पे और ये दो ऐसे, ठीक है, ऐसे हमें माउस को पकड़ना चाहिए जिससे माउस सही काम करता है। उसके बाद जो माउस का बटन, माउस के बटन को जब हम दबाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, क्लिकिंग, क्या कहेंगे, क्लिकिंग। सपोज ये माउस हमने ऐसे पकड़ा है, ये वाली फिंगर यहाँ और इसके बीच में, ये स्क्रोल व्हील है उसके साइड में, ये दोनों फिंगर और ये जो अंगूठा होता है ये यहाँ, ठीक है। तो उसके बाद जब हम ये वाला क्लिक करेंगे तो ऐसे बटन दबाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, क्लिकिंग, क्या कहेंगे उसको, क्लिकिंग। और उसके बाद जब भी हम ये राइट और लेफ्ट बटन जब भी दबाते हैं तो एकदम से क्लिक की आवाज़ भी आती है, ठीक है, साउंड क्लियर होता है क्लिक का। अब है When you press the button two time, it produce this sound twist. It is called double clicking. अब आता है double click. Double click कैसे कहते हैं? जैसे ये suppose ये क्लिक है, left बटन है, इसको हम अगर continue दो बार ऐसे क्लिक करते हैं तो इसको क्या बोलेंगे? Double clicking. Double clicking. ठीक है, double clicking किसको बोलेंगे? जब एक ही बार में दो क्लिक करते हैं, जैसे डबल ऐसे, तो उससे क्या क्या होता है कि हम जिस भी पॉइंट पे हैं वो पॉइंट ओपन हो जाता है, वो जैसे कोई भी प्रोग्राम के हम सेलेक्ट करके उसके ऊपर डबल क्लिक कर देते हैं तो वो जो प्रोग्राम होता है वो ओपन हो जाता है और डबल क्लिकिंग कहते हैं उसे, ठीक है। अब आती है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है, ये माउस का डायग्राम है, ये आपको बनाना है, कैसे बनाओगे? सिर्फ ये वाला डायग्राम आपको बनाना है, ये वायर है, ठीक है, ये डायग्राम आपको बनाना है, ठीक है। और नीचे लिख देना है माउस, ऐसे ऐड करते हैं, ठीक है, ये माउस पैड है, ये माउस है, ठीक है। ये डायग्राम आपको अपनी नोटबुक में ऐसे कैसे बनाना है, ये नियम भी लिखना है, ये राइट बटन है, ये लेफ्ट, ये स्क्रॉल व्हील और ये माउस पैड, ठीक है। बाद फर्स्ट क्वेश्चन टिक द करेक्ट में, माउस इज द, माउस इज द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, सॉरी डैश ऑफ द कंप्यूटर। फर्स्ट ऑप्शन है पार्ट, सेकेंड है टाइप, ठीक है। कंप्यूटर की टाइप तो अभी हमने पढ़े ही नहीं, तो माउस क्या है? कंप्यूटर का एक पार्ट है ना कि टाइप, तो इसमें क्या आएगा? ए ऑप्शन पार्ट, ई ए आर टी। सेकेंड क्वेश्चन, ए माउस इज प्लेस ऑन, ए माउस इज प्लेस्ड ऑन द, फर्स्ट ऑप्शन कीबोर्ड, सेकंड माउस पैड। क्या कह रहा है ये? माउस इज प्लेस्ड ऑन, माउस को हम कहाँ रखते हैं, माउस पैड पे या कीबोर्ड पे? कीबोर्ड पे रखने से तो चलेगा ही नहीं, और कीबोर्ड पे रखना भी नहीं चाहिए, तो माउस को हम कहाँ रख के चलाएंगे? माउस पैड पर। तो इसमें क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। थर्ड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको साथ साथ करने भी हैं। थर्ड क्वेश्चन है, ए माउस इज यूज टू, ए माउस इज यूज टू डैश, ऑप्शन नंबर ए प्ले गेम, टाइप टेक्स्ट और बोर्ड, प्ले गेम्स एंड ड्रॉ पिक्चर्स। और सी है इसमें बोर्ड। तो क्या कह रहा है ये कि माउस को हम यूज किसमें करते हैं, गेम खेलने में या पिक्चर ड्रॉ करने में, मतलब डायग्राम ड्रॉ करने में या फिर दोनों?
कोड, तो हम उस माउस के पिक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं और गेम भी खेल सकते हैं। तो इसमें क्या आएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स। सी सी है ट्रू एंड फॉल्स। इसमें फर्स्ट है माउस शुड बी placed on mouse pad। तो इसमें क्या आएगा, क्या कह रहा है सेंटेंस कि माउस का जो माउस कहाँ रखना चाहिए हमें, माउस पैड पे। यस ट्रू, सही है ये, इसमें आएगा ट्रू। सेकंड नंबर, माउस इज ऑफ मेनी टाइप्स। माउस इज ऑफ मैनी टाइप्स। ट्रू, क्योंकि माउस क्या है, मैनी टाइप्स करते हैं। थ्री नंबर, ए माउस हैज थ्री बटन। ए माउस हैज थ्री बटन्स। तो माउस के तीन बटन होते हैं, तो लेफ्ट एक राइट और एक स्क्रॉल व्हील। तो इसमें क्या आएगा ट्रू। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है ए माउस शुड बी टोन की बोर्ड। तो ये क्या कह रहा है कि माउस को हमें कीबोर्ड पे रखना चाहिए, नहीं, फोल्स। इसमें क्या आएगा, फोल्स। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन है कंप्लीट। अब आपको क्या करना है, माउस का डायग्राम बनाना है, जो टिकदा करेक्ट करवाए वो करने हैं, और थर्ड नंबर ये जो आपके ये हैं ट्रू फॉल्स ये करने हैं। ठीक है, इसमें आप दोबारा से देख लो, माउस शुड बी प्लेस्ड ऑन माउस पैड। माउस पैड जो माउस होता है उसको कहाँ रखना चाहिए, हमेशा माउस पैड पे। उसके बाद माउस इज ऑफ मैनी टाइप्स, हाँ माउस के बहुत से प्रकार होते हैं, जिसमें स्क्रीन हमने पढ़े हैं, सबसे पहले स्क्रॉल व्हील वाला। ठीक है, जिसमें क्या होता है, एक बोल होती है, जो माउस का जो पीछे वाला हिस्सा होता है उसमें क्या होता है, एक स्क्रॉल बोल लगी होती है। थर्ड सेकंड नंबर ऑप्टिकल माउस, जिसमें क्या होता है, जो माउस का जो पीछे वाला हिस्सा होता है उसमें क्या होता है, एक LED लाइट सी लगी होती है। उसके बाद थर्ड नंबर है वायरलेस माउस। वायरलेस माउस में क्या है कि उसमें वायर कनेक्ट नहीं करना पड़ता, बस उसका एक सिस्टम आता है, वो अगर हम उसमें कर दें तो उसके बाद हम माउस को जितना चाहे दूरी पर बैठ कर कंप्यूटर को चला सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही वायरलेस कीबोर्ड भी आता है। ठीक है, और माउस को हम कैसे पकड़ेंगे, जो हमारी ये वाली फिंगर होती है लेफ्ट फिंगर, ये इसको तो हम कहाँ रखेंगे, लेफ्ट वाले बटन पे, और ये जो दो फिंगर होंगी वो राइट बटन पे। और उसके बाद जो ये अंगूठा होता है ये कहाँ होगा, उसके जो नीचे साइड में जो हिस्सा होता है उस पर। ठीक है, और उसके बाद जब हम डबल क्लिक कर देते हैं, अगर हम कंटिन्यू दो क्लिक कर देते हैं तो उसको क्या कहते हैं, डबल क्लिकिंग। और जब भी हम क्लिक करते हैं लेफ्ट या राइट बटन तो उसमें आवाज़ साफ साउंड प्लेस होता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपको करने हैं अपनी नोटबुक में, और माउस का जो डायग्राम है वो कंप्लीट करना है। ठीक है, थैंक यू।